हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल द वॉइस आर्ट में। आज हम बात करने वाले हैं 2018 में आई नेटफ्लिक्स की एडवेंचर फैंटेसी मूवी मोगली द लेजेंड ऑफ द जंगल की हिंदी डबिंग के बारे में। इससे पहले भी मैंने 2016 में आई डिज्नी की एडवेंचर फैंटेसी मूवी द जंगल बुक की हिंदी डबिंग के बारे में वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैंने आई बटन में दिया हुआ है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। मोगली लेजेंड ऑफ द जंगल मूवी बेस है ब्रिटिश नॉवेल राइटर रुडियार्ड किपलिंग की मशहूर किताब द जंगल बुक के ऊपर। IMDB ने इस फिल्म को 6.5 की रेटिंग दी है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है वार्नर ब्रोस पिक्चर्स ने। इस फिल्म की हिंदी डबिंग स्टूडियो और हिंदी डबिंग आर्टिस्ट के बारे में सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप चाहें तो उसे वहां से पढ़ सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं इस फिल्म की हिंदी डबिंग के बारे में। इस मूवी में ज़्यादातर किरदारों को हिंदी में आवाज़ लेजेंडरी बॉलीवुड एक्टर्स ने ही दी है। इस फिल्म में मोगली यानी रोहन चंद के किरदार को हिंदी में अपनी आवाज़ दी है चाइल्ड आर्टिस्ट आर्यन पानेकर ने। बचपन से मेरा सिर्फ एक ही सपना रहा है कि मैं एक भेड़िया बनूं, ताकि यहां सब मुझे अपने बराबर का समझे। यही मौका है मेरे पास खुद को साबित करने का कि मैं उनसे अलग नहीं हूं। इस फिल्म में द ब्लैक पैंथर बगीरा को हिंदी में अपनी आवाज दी है वन एंड ओनली अभिषेक बच्चन जी ने। मैं हूं इसके पक्ष में। कानून कहता है कि हर एक जान की कीमत चुकाई जा सकती है, और इसकी कीमत मैं लेकर आया हूं। वही इस फिल्म में बलू द बेयर जो मोगली का गुरु है उसे हिंदी में अपनी आवाज दी है लेजेंडरी एक्टर अनिल कपूर जी ने। फिर से बंदर लोग के पास गया, फिर से। ये बंदर लोग जाहिल इकाई के लोग होते हैं, ना इनकी अकल का ठिकाना है और ना ही इनकी जबान का। मुझे तो वो मस्त लगते हैं। मस्त नहीं, लुच्चे हैं। उनसे दूर ही रहना, समझा कि नहीं? मुझे उनसे डर नहीं लगता। जो डरते नहीं वो मूर्ख होते हैं मोगली, और ये बंदर लोग कुछ ज्यादा ही मूर्ख है। ये तो किसी से नहीं डरते सिवाय एक के, का। इस फिल्म में मोगली की वुल्फ माँ निशा को हिंदी में अपनी आवाज दी है बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित जी ने। ये तुम्हारा ही घर है मोगली, कोई चाहे कुछ भी कहे तुम ये बात कभी मत भूलना, समझे? तुम हमेशा मेरे बेटे रहोगे मोगली, इस सच को कोई नहीं बदल सकता। वही इस फिल्म में मोगली के वुल्फ पिता विहान को हिंदी में अपनी आवाज दी है लेजेंडरी वॉइस एक्टर मयूर व्यास जी ने। सही कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं दौड़ में हिस्सा लूंगा, मुझे लगता था हमसे ना हो पाएगा। आपको देर हो रही है। शिकार मुबारक हो पिताजी। कुछ दिनों में बाप बेटे मिलकर शिकार करेंगे पूरा परिवार। इस फिल्म में अकेला जो भेड़ियों का सरदार है उसे हिंदी में अपनी आवाज दी है वॉइस एक्टर ब्रिज भूषण सुहानी जी ने। तुम भूल रहे हो बकीरा, हमने ये सब कुछ अपनी भलाई के लिए किया था। जंगल बदल रहा है, हर मौसम के साथ इंसान जंगल को और छोटा कर रहा है। अब ये लड़का ही हमारे बचने की आखिरी उम्मीद है।
वहीं इस फिल्म में सफेद भेड़िए भूत को हिंदी में अपनी आवाज दी है चाइल्ड एक्टर प्रशांत राव ने। माँ ने छिपना सिखाया है मुझे, कई जुगाड़ सिखाया है माँ ने मुझे ताकि मैं किसी के हाथ ना आऊं। माँ कहती है जो अलग होता है उसे बाकी लोग कमजोर समझते हैं, इसीलिए वो मुझे बार बार चिढ़ाते रहते हैं। इस फिल्म में का द पाइथन को हिंदी में अपनी आवाज दी है बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने। वाह, देखो तो कौन आया है, इंसान की औलाद जिसका भविष्य अब तक एक सवाल है। क्या मुझसे डर लग रहा है इंसान के बच्चे? कभी कभी डरना ही अकल का काम होता है बच्चे। वही इस फिल्म में तबा की जो एक लकड़बग्गा और शेर खान का चमचा है उसे हिंदी में अपनी आवाज दी है वॉइस एक्टर विनोद शर्मा जी ने। कभी कभी सपना देखता हूं कि मैं बाघ हूं, पर जागते ही लकड़बग्घा बन जाता हूं। इस फिल्म में शिकारी जॉन लॉकवुड को हिंदी में अपनी आवाज दी है बॉलीवुड एक्टर अश्विन मुशरान जी ने। खूबसूरत है ना? मेरा गोरा भेड़िया, ये मेरा अपना खुद का म्यूजियम है। तुम तो कुछ भी नहीं समझ पा रहे होगे क्यों? और जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि हर कहानी विलन के बिना अधूरी होती है, और इस फिल्म का विलन है द बंगाल टाइगर शेर खान, जिसे हिंदी में अपनी आवाज दी है बॉलीवुड के हमारे जग्गू दादा जैकी श्रॉफ जी ने। इसके माँ बाप मर चुके हैं, मैंने मारा है, अब इसके लिए आने वाला कोई नहीं। ये तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है शेर खान। ये बिल्ला मेरा है, इसकी माँ का खून अब भी मेरी ताड़ में है, इस पर मेरा हक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। गुड बाय।